दहेज में मिल रहे 11 लाख लौटा कर सिर्फ 101 रुपए लिए दुल्हन भी हुई फिदा। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, समाज में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की सोच समाज पर गहरा असर डालती है। कुछ ऐसी ही खबरें सूबे के बूंदी जिले से सामने आई है, जहां स्कूल के हेडमास्टर रहे ब्रजमोहन मीणा ने अपने बेटे की सगाई कार्यक्रम में केवल 101 रुपए का शगुन लिया और एक नई लकीर खींच दी। दहेज में उन्हें 11 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए लौटा दिए कि हमें दहेज नहीं केवल चाहिए। और ये जो पूरा मामला है ये कहाँ का है, चलिए जानते हैं। जी हाँ, ये खजूरी पंचायत के पीपर वाला गांव का है, जहाँ ब्रजमोहन मीणा ने अपने बेटे का रिश्ता टोंक जिले की एक गांव में तय किया। ब्रजमोहन हेडमास्टर रह चुके हैं, अब रिटायर्ड हैं। कल अपने बेटे की सगाई कार्यक्रम में पहुँचे थे और वहाँ उन्हें 11 लाख रुपए का बैग दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए बहू चाहिए थी, न कि दहेज। उन्होंने केवल 101 रुपए शगुन का उठा लिया और बाकी रुपए वापस कर दिए। ये सब देखकर लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की और सीख लेने की बात कही। ये बात जब दुल्हन को मालूम चली तो उसने कहा कि मेरे ससुर ने हमारा मान बढ़ा दिया है, ये मेरा सौभाग्य है कि हमें इस तरह के ससुर मिले हैं। उन्होंने कहा कि दहेज में मिल रही रकम लौटाकर समाज को उन्होंने एक संदेश दिया है, इससे बेटियों का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, साथ ही रिश्ते की एक महत्वता भी बढ़ गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।